धोखेबाज शादी हो गया। चुपके से शादी कर रहे हैं, चुपके से शादी कर रहे हैं। शादी हो गया वो भी इसको धोखा देके। यहाँ कौन लेगा इसको धोखा दे दिया। सो गाइस वो फाइनल अभी ना धूप हो रहा है धीरे धीरे करके, और लगता है कल परसों से फिर से बारिश हो सकते हैं हमारे यहाँ पर। तो अभी चलते हैं घर के तरफ पे घूमने के लिए कुछ काम के लिए। गैस तो घर मतलब कभी कभी जाना चाहिए। तो अभी आ चुका है घर पे, और मैं आने के बाद ना कल वहाँ से लिए बहुत खुश होते हैं। अरे यार कलू म्यूजिक हुआ। गैस अभी चलता है यहाँ से लौट के, और वहाँ जाने का खाना खाएंगे, खाना कुछ करके खा देंगे। और मैं यहाँ पर आया हूँ नींबू लेने के लिए, तो हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे होते हैं नींबू। म्यूजिक कलुआ गंगाओ भूल गया क्या? म्यूजिक गंगा द कलू दे कलुआ म्यूजिक ए गंगा भूल गया गाना। मैं नहीं बना चलिए ट्रेनिंग देने वाला इसका। ये यहाँ पर गाँव हो गया लगता है फायद करते करते आपस में। सो गाइस अभी पहुँच चुका है मैं घर पे, तो सासुमा जी बोले कि वहाँ पर मछली है, तो मछली के साथ खाना खाएंगे। जा रहा है मैं मछली लेने के लिए मूसली, तो अभी खाएंगे एक मसाला के साथ खाना। वाओ तो यहाँ पर आ चुका है एक मसाला करेली, और ये एक प्रकार का साग। अभी खाएंगे खाना वाइप वा के साथ, काफ़ी बढ़िया है ये साग, मस्त हैंडसम। हरी मिर्ची एक मसाला बहुत स्वादिष्ट हुआ यार। वाइप वा के हाथ में जादू है, और गर्म गर्म पीस कराना बढ़िया। ग्रेवी बड़ा गरम गरम कोल्ड ड्रिंक्स, और ट्रेडिशनल वाला बास्कुट बिस्कुट। ठीक है फिनिश कर दीजिए खा दीजिए। सो गाइस वो अभी चलते हैं, तो हमारे गांव पे मतलब वो मेरा एक बचपन का दोस्त मान लीजिए एक क्लास में थी था, तो वो शादी कर रहे हैं, तो एक ही उम्र के होंगे शायद, या हमसे भी छोटा हो सकते हैं। और कबला बोलते हैं यहाँ पर, तो एक्चुअली उसका स्कूल का नाम है सिरोजुति चकमा, तो वहाँ वो दाइन की तरफ से शादी कर रहे हैं। वहाँ पर जाते हैं अभी, तो गिफ्ट विफ्ट कुछ तो नहीं लेंगे, बस पैसा दे देंगे। तो अभी ये बारिश रुक गया है, तो वहाँ पर चलते हैं सीधा, और वहाँ से आने के बाद कुछ काम करते हैं गैस, जिसे भी जाना चाहिए। सो गैस बहुत दिनों के बाद आ चुका हमें अमितवा के रूम पे। अमितवा इसमें रहते हैं, लड़की लेके तो नहीं रखा है? अरे कोई लड़की वर्की नहीं है। नहीं सो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अभी मामा जी के वहाँ पे काम करके आया था। कब जाएगा फिर से? जाएगा थोड़ी देर बाद, एक्सल जाएंगे ना। गिबी लेना है। ओके किधर से लेगा? दुकान से ले लेगा, वहाँ पे कुछ वो दे देगा। ओके सो गाइस मैं एक्चुअली ना अकेले हूँ, इसलिए तो गिफ्ट लेने के लिए अभी पार्टनर मिल गया। अभी चलते हैं सीधा दुकान की तरफ पे गिफ्ट लेने के लिए जाएंगे मैं और अमितवा। और मैं मतलब कुछ मिनट पहले मैं अकेले था, इसलिए जाने का मन नहीं था, और प्लस जितना दोस्त है सबके सब वहाँ तक पहुँच रहे हैं। अभी जाएंगे गिफ्ट लेने के लिए इधर से लेंगे गुलनगर की तरफ पे। सो अभी हम लोग को गिफ्ट लेके आए हैं दुकान से, तो ज़्यादा महंगा वाला तो खरीदने का तो औकात नहीं है, तो ठीक ठाक ही लाया हम लोग नॉर्मल तरफ बचत लो बचत वाला, तो जो मतलब उम्र बढ़ चले, तो ताकि पोता पोती तक ही मतलब लास्टिंग करे, इस तीन वाला सामान लेके आए हैं, तो वो दे देंगे। तो गिलास वो कप मको तो एक ही बार में खत्म होते हैं, और स्टील का सामान पूरा लाइफ टाइम वो चलते रहते हैं, जब तक वो इस्तेमाल करेंगे तब तक चलते रहेगा। और
कम से कम 50 या 60-70-80 साल तो चलेगा ही स्टील वाला, तो इसलिए स्टील का गीत खरीद के जा रहे हैं देने के लिए। और ये हैं वो यहाँ पर रहते हैं अमितवा, तो वहाँ पर ये हैं वो कुछ पता नहीं क्यों गया अंदर भी कुछ। सो गाइस ना, सो बियर पिए हैं शादी में आने के बाद, तो अभी खाना खाएंगे फोर के साथ खाया बियर फिनिश किया है। और ये तो हमारे यहाँ पर इसका प्राइस ओनली है, आपके यहाँ पर ये बहुत महंगा होते हैं, बहुत सस्ता होता है हमारे यहाँ पर। अभी खाना खाते हैं शादी पे, और ये फिनिश कर दिया ओनली वन पीस, मैं भी वन पीस शादी में चलता है यार। हाँ चलता रहता है वो। और गिफ्ट यहाँ पर रखा है इसका भी है मेरा भी पीछे है। अभी खाएंगे खाना। हाँ ये है दुल्हा। उम्र कितना हो गया बराबर? 26। इतना छोटा है बच्चा था तो सो अभी चलते यहाँ से लौट के, और आदमी तो काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पर, और मैं इस तरफ से जाऊँगा। इस तरफ से जाने से बहुत कीचड़ होता है, और मैं बाइक को ऐसे में रखती हूँ, हमें हमारा बाइक वाटर पूरा बिग रहा है ये। तो दोस्तों मैं और अपना दोस्त के वहाँ पर शादी पार्टी फिनिश करके आ चुका हूँ, तो बारिश नहीं बिग के खूब तेज़ से बारिश हो रहा है, और मेरा दोस्त लोग तो नहीं मान रहा है, कह रहा है कि जितना ये बारिश हो आ जाओ, कह रहा है कि धान की तरफ पे। देखिए ना गाइस बहुत ठंडा है, और प्लस बारिश भी हो रहे हैं, और अभी का टाइम हो चुका है लगभग एक बजने वाला है अभी, और इतना बारिश में कैसे जाएंगे यार, तो तबीयत भी खराब हो सकते हैं। पानिया 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 कांची कांची कांची। सो गाइस मैं फाइनली अपना बैग पैक इसमें सामान पूरा बढ़िया बिस्तर सब कुछ बांध लिया इसमें, यानी कि सामान वन, तो वो तो जाने से पहले दूध पी रही है। तो दोस्त का साला मतलब वो शादी कर रहे हैं, तो उसमें बुला रहे हैं हम लोग को, तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, और वहाँ जाके ही वीडियो ख़त्म करेंगे। ये तो है झारखंड का मिर्ची अभी तक है। मैं जब झारखंड में गया था ना, वहाँ पर सनातन बाइक है, वहाँ पर खाना खाने के लिए मिर्ची इसमें लगाता रखा था, वैसे फेंकना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पर अभी तक पड़ा हुआ झारखंड का मिर्ची। कब तक पियोगे? अभी तो 3 बजने वाला है, तो जाते जाते शायद रात भी हो सकते हैं, तो पहुँच जाएंगे दोस्त के वहाँ पर आराम से। तो गाइस मेरा बाल का फिनिश कर देता हूँ, तो अभी तो जा रहा हूँ ना, चलिए ऐसे उल्लू की तरफ बाल धर के जाऊँगा। नहीं मैं काफ़ी लंबा हो चुका है हमारा बाल हुआ, देखिए गाइस छपरी स्थल। सो फाइनली मेरा बाल तो पूरा फिनिश हो गया है, काट दिया है, और ये चौमिन खा के आ गया। कितना हुआ? 50। ओके और लंच में करते हैं, और बाल भी काट दिया हमें पूरा छोटा छोटा करके काट दिया हूँ। अभी सीधा चलेंगे दोस्त के गांव पे जाएंगे, और बारिश होने से नमसा में रुक जाएंगे, और दोस्तों बारिश होने से ना नमसा में रुक सकते हैं। और उनका जी गए हैं सुपारे लेने के लिए, सुपारे तामुल मीठा तामुल, तो गाँव पे नहीं मिलता रहा मेरे तमुल से, यहाँ से खाएंगे फिनिश करने। तो अभी यहाँ पर तेल भराते हैं, लीटर कितना 93.50 हमारे यहाँ पर पेट्रोल। अभी 700 का घुसाते हैं, पिलाते हैं, उसका बाद आराम करके लेके जाएगा हमारा दोस्त के गाँव पे, नहीं तो रिटर्न आ नहीं पाएंगे, इसलिए बस 700 कैदा लेंगे ना। गाइस ये है नमसा डिस्ट्रिक्ट का स्पीड ब्रेकर प्रो मैक्स है यार, तो अभी इस पर चलना पड़ेगा। ये होते हैं स्पीड ब्रेकर प्रो मैक्स स्पीड ब्रेकर प्रो मैक्स, अटैक करो, मारो 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 मारो। अरे बहुत मुश्किल है यार ये लोग के लिए, अभी तो स्पीड ब्रेकर लाया था ये, तो आप देखिए हम लोग फोर्स रखा है यार स्पीड ब्रेकर प्रो मैक्स। तो हम लोग स्पीड करके नहीं जाएंगे, तो इकोनॉमिकली नॉर्मल करके जाएंगे, 40-45-50 ऐसे में जाएंगे, तो ऐसे में धीरे धीरे करके जाएंगे, और ज़्यादा स्पीड जाएगा क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है
वैसे ही जाएंगे क्योंकि फैमिली बस है ना, थोड़ा वो चिंता रहते हैं अंदर अंदर में। तो पहले ना मैं जब अकेले था, शादीशुदा नहीं था, उस समय तो बिंदास चलता था, पूरा एक घंटा में पहुँच जाता था दायन। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो लगेगा 2-3 घंटा के आसपास, अभी इतना धीरे धीरे करके जाएंगे, पूरा धीरे धीरे करके जाएंगे इकोनॉमिकली, तो इतना तेज़ करके नहीं जाएंगे, ऐसे ही चलेंगे। तो जहाँ का आरोप का किनारा जान पहचान है, जहाँ रात हो जाएंगे वहाँ पर रह जाएंगे ना। तो और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नमसा में, किनारे में, यहाँ पर। और आगे चलते हैं सीधा डायन की तरफ पे, मेरा दोस्त लोग पहुँचने वाले हैं, और जितना लेते हैं उससे बारिश भी हो सकता है, इसलिए जाना पड़ेगा ना। सो गाइस, अभी तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में प्रवेश किए हैं, तो रोड बहुत खराब था यार, मेरा कमर भी दर्द कर रहा था, उतरा कमर हालत खराब हो चुका है, कभी नहीं आएंगे गाइस यहाँ पे। हाँ, अरे मछली फंसा हुआ है, मछली से फंसा हुआ, मछली लगा हुआ है, और यहाँ पर खड़ता है खेत, और यहाँ से मुनवाई का गांव सामने ही है। चेनवा, अरे भूल गया था अभी मैं, मतलब साथ में फिसक गया था। कोई बात नहीं, रेस्ट करते हैं। हम लोग का कमर दर्द कर रहा है, बहुत तेजी से दर्द कर रहा है, रोड इतना खराब है, तो अभी इतना राहत मिल गया, तो नमसा डिस्ट्रिक्ट का रोड बहुत खराब है, तो ये सांगला डिस्ट्रिक्ट का रोड थोड़ा ठीक ठाक ही है। और फाइनली पूरा रस भी हो चुके हैं, और वाइफ का वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर ऐसे कुछ बचा हुआ है दायन, तो निकुआ वो नमसा पे हैं, तो वो आ रहे हैं वे वो दुल्हन को लेके, वो दूसरा गांव से काफ़ी दूर है, लेकिन सौतकात नहीं आया क्योंकि नदी के कारण दिया नदी काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसलिए तो अभी चलते हैं। चल, पूरा कमर दर्द कर रहा है यार, बहुत रोड बहुत खराब है यार, मैं इसलिए नहीं आता मुनुबाई का गांव पे, पहले तो आता था, रोड बहुत दिन बर दिन खराब होते गया। और मुनुबाई भी नहीं, इसके वजह से वो भी दायन छोड़ दिया, वो अभी महादीपुर में रहते हैं, रोड के कंडीशन के कारण बहुत डेंजर है, बहुत खराब है रोड यार। तो बस इलेक्शन तो जा चुके हैं, इलेक्शन के टाइम पर कई सालों से वादा कर रहे हैं रोड बना देंगे, रोड बना देंगे। तो मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से, मतलब जब उसमें बना था रोड, और उसका बाद मैं आया KG-1 में पढ़ता था ना, उस समय से ही ऐसे, मतलब ये रोड ना टूटा फूटा है, तो अभी दिल भी खतरे बन रहा है, बाइक भी पूरा खराब हो गया, मतलब नदी पूरा गंदा हो गया, अभी चलना पड़ेगा यहाँ से, हम तो रात को आएंगे। बाइक का हालत दिख रहा है गाइस, पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जसनापुर डायन पे पहुँच चुके हैं, और हालत खराब हो गया, घर पे कोई नहीं है, आंगुरी आंगरा वेट कर रहे हैं। वाह, स्वीट पोटैटो, पपीता, जंगली केला के फूल, आंगुरी का मम्मी ना वो सब्जी बेचते हैं। अरे भाई अंदर में पूरा बंद है, देखते हैं, ये चुपके से शादी कर रहा है, ये चुपके से शादी कर रहा है। किधर है हम लोग का रूम? इधर रूम शेयरिंग करके रहेगा ना। इसका तो पूरा पिछोरा बहुत दर्द कर रहा है, रोड बहुत खराब है यार, फिर से आने वाला नहीं है तेरा यहाँ पर, ये लास्ट है, रास्ता तो बहुत खराब है ना। हाँ 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 हाँ, चुपके से शादी कर रहे हैं, चुपके से शादी कर रहे हैं, वो भी इसको धोखा देके, यहाँ कौन लेगा इसको धोखा दे दिया, धोखेबाज। तो उसको कल के वीडियो में रिवील करेंगे। काफी सारे आदमी आ चुके हैं, और सुंदर सुंदर लड़कियां भी आ चुका है यहाँ पर काफी सारे। अभी 10-1 घंटा पहले ओ।
मेरा शादी हो गया है। सबका फिर वास करना पड़ता है दामाद को। सो गाइस वो निक का साले साहब मतलब शादी कर रहा है तो निक का शादी नहीं हो रहा है तो एक्चुअली तो आज के वीडियो को तो अभी फिनिश करते हैं तो मिलेंगे कल फिर से मतलब इस शादी का वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों और गुड नाइट, बढ़िया से रहना, परफेक्ट खाना खाना और खूब इंजॉय करना। बाय गाइस। तो काफ़ी सारा सुंदर सुंदर दर के आया है अंदर पे, तो मैं तो दूर पे रहता हूँ यार क्योंकि मैं ऑलरेडी शादी शुदा होना है इसलिए।